कोशिश करनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम इस प्रोजेक्ट से वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। ये हमारी थॉट प्रोसेस होगी प्लान के दौरान। प्लान बहुत इतना लंबा नहीं कहते, बोर हो जाए, इतना छोटा ना समझ पाए। नॉर्मली प्लान ज्यादातर लोगों की पहली बार समझ में नहीं आता, तो हमारी कोशिश है कनेक्ट करके उसको एक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके कि उसे जो चाहिए वो यहां से मिल सकता है। स्टार्टअप, हमें सही शुरुआत करने की कोशिश करनी है। प्लान दिखाने के बाद हमको ज्वाइन करने का प्रोसेस उसको बताना है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कहां पे जमा करते हैं, सामान कहां पे मिलता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें उससे शेयर करनी है, बल्कि वहां पर जाकर सामान दिलवाने की भी कोशिश करनी है ताकि वो इसकी सही तरीके से शुरुआत कर सके। उसके बाद होती है काउंसलिंग का पर्पज हुआ कि हमको अपनी वस्तुस्थिति के बारे में, उसके बारे में जानना है कि वो कहां पे है। काउंसलिंग का मतलब ये हुआ कि हम ये जाने कौन सा व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका अलाइनमेंट सही है। हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। नॉर्मली जब व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, उसको एंड पॉइंट तो मालूम होता है, जहां से शुरुआत कर रहा है वो शायद उसको मालूम नहीं होता। अभी हम जब आ रहे थे तो हम तो नए थे, हमको मालूम नहीं था, ड्राइवर हमारे साथ, हमको मालूम था कहां पहुंचना। हमने अर्णव को फोन किया कि भैया हम यहां पे आना चाहते हैं, उसे अभी हम कहां पे हैं, तो ड्राइवर ने बताया अभी हम यहां पे हैं, तो उसे बताया कि यहां से आप इस तरीके से आ जाए। इसी तरीके से लाइफ में हमको कहां पहुंचना है, जो एंड पॉइंट है, अभी हम कहां पे हैं मानसिक लेवल पे, ये हमको अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है, तभी हमको वो सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगा कि भैया आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये लोकेशन लेनी है, जिससे कि आप अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच सके। देखिए आप यहां से आ गया, जो इशारा को बंद करना, चलिए कोई बात नहीं। अगला हो गया अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमको अकाउंटेबल होना है, हमको क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करनी है, हम लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमको विश्वसनीयता बनानी है अपनी, ये हमको बताना है कि हम आपके साथ हैं मन से और तन से और आपकी हेल्प करेंगे पूरी ताकत से। ये अकाउंटेबिलिटी आपके काम से, आपकी हरकत से समझ में आती है। और लास्ट पार्ट हो गया लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, यानी हमको सीखना है, हमको बताना है, उसी को डुप्लीकेट करना है। अगर हमने साइकिल सीख ली तो दूसरे को सिखा सकते हैं, तो उसको ये बता सकते हैं कि तीसरे को कैसे सिखाओ। इसी बेस पे ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना चलता है और फ्रेंड्स आज की तारीख में इसको 21वीं सदी का व्यवसाय कर रहे हैं, 21st सेंचुरी का बिजनेस कहा जा रहा है। अब आप इमेजिन करिए, अगर आप पहली बार आए हैं और आपने ये बिजनेस देखा और इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया तो क्या हो? कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप लाइफ में वैसे चल रही। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आप कुछ भी नहीं कर पाए तो भी क्या होगा? कोई नुकसान होगा क्या? कोई लॉस नहीं होगा ना भाई? ऐसा नहीं पूंजी फंस गई, प्लाट में पैसा लगा दिया और चला गया, सारा पैसा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होगा नुकसान ना। तीसरी चीज सोचिए, अगर आपने ज्वाइन कर लिया और कर लिया और बिजनेस चल गया तो लाइफ कैसी हो सकती है? न सिर्फ आपकी बल्कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।